शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखने वाले हैं काला नमक राइस की वैरायटी से संबंधित। ठीक है, तो काला नमक जो राइस है आज के टाइम में कैसा होने वाला, स्मॉल रहेगा और भी ज़्यादा मजबूत ये होने वाला है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है दो नई छोटी छोटी जो वेराइटीज़ हैं, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। दो नई छोटी प्रजाति काला नमक चावल की, इनको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया उत्तर प्रदेश में। दैट गिव डबल द यील्ड। इससे फ़ायदा किसानों को ये होने वाला है कि इस चावल की उपज दोगुनी हो जाएगी। काला नमक की यदि हम बात करें, काला नमक चावल की, तो ट्रेडिशनली एक वैरायटी है पैडी की, धान की एक किस्म है काला नमक विथ ब्लैक हस्क। यदि हम इसकी खेती करते हैं, इस से जब चावल निकालते हैं तो इसका जो भूसा रहता है वो ब्लैक रहता है, एंड स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस। इसके साथ साथ में ये खुशबू वाला चावल है, जिसको ऐसा माना जाता है कि ये एक गिफ्ट था किसके द्वारा, लॉर्ड बुद्ध के द्वारा, उन लोगों के लिए जो कि श्रावस्ती में रहा करते थे। वैन ही विजिटेड द रीजन आफ्टर इनलाइटमेंट, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो ये श्रावस्ती गए थे। श्रावस्ती के जो लोग थे उन लोगों को इन्होंने ये काला नमक चावल गिफ्ट किया था। अब बताया जा रहा है वैज्ञानिक लोग इसमें कुछ और भी ज़्यादा सुधार करना चाहते हैं। ऐसा माना जाता है कि 11 जिलों में, कौन से रीजन में, तराई के क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं और नेपाल की, द ट्रेडिशनली वेराइटी हैज़ बीन प्रोन टू लॉजिंग। यहाँ पर जो वर्ड आया है लॉजिंग, ठीक है, लॉजिंग मतलब टेम्प्ररी रूप से जो खेती होती है, ए रीजन फॉर इट्स लो यील्ड। अब कोई उगा रहा है, कोई नहीं उगा रहा है, परमानेंट तरीके से लोग इसकी खेती नहीं करते हैं क्योंकि इस ये ज़्यादा पैदावार नहीं देता है। यही हाल कुछ मध्य प्रदेश का कुछ एरिया की यदि हम पार्टिकुलरली बात करें, आज के टाइम में खेती ऐसी हो गई है कि धान की वे ही किस्में लगाई जाती हैं जो ज़्यादा पैदावार दें। दूसरे नंबर की बात है उसमें लागत कम से कम आए और जल्दी से जल्दी पके। इसीलिए हमारे यहाँ के खुद के एरिया की यदि मैं बात करूँ, अपने खुद के घर की, तो हमारे घर में जो पतला चावल रहता है उसकी बोनी नहीं करते, पतले धान को नहीं बोया जाता है क्योंकि उसकी पैदावार कम है, लेट से पकेगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लागत ज़्यादा लगेगी। ये सब बातों के चलते चलते ये मोटा धान हमारे घर पर लगा देते हैं। तो यही बात यहाँ पर भी कही जा रही है कि इसकी जो पैदावार है ना वो कम है, इसलिए अस्थायी तौर पर कुछ कुछ एरिया में इसकी खेती की जाती है। यहाँ पर जो वर्ड की यूज़ किया गया है लॉगिंग, लॉजिंग, एक ऐसी कंडीशन होती है इन विच द टॉप ऑफ द प्लांट बिकम्स हैवी। एक ऐसे प्लांट की बात कर रहे हैं जो टॉप की कैटेगरी में है, वो कैसा हो जाता है, हैवी हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेन फॉर्मेशन। ग्रेन का जब उसमें फॉर्मेशन चालू हो जाता है तो वो भारी होने लगता है, द स्टेम बिकम्स वीक, और उसका तना क्या होते जाएगा, कमजोर होते जाएगा, एंड द प्लांट फॉल्स ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पर यही बात बताई जाती है और ये बात हमारे घर वाले भी बोल रहे थे, ये जो पतले चावल हैं या फिर ये काला नमक चावल की हम बात करें, जैसे कि ये धान की बाली है, ठीक है, अब इसका जो तना है ये एकदम पतला रहता है और हाइट बहुत ज़्यादा रहती है इसकी। अब जब इसमें दाने भरना चालू हो जाएगा तो अब ये क्या हो जाएगा, ऐसा झुक जाएगा और फिर इसकी कटाई करना दिक्कत वाली बात हो जाती है, खास करके मशीन से। यदि मुझे हार्वेस्टर से इसकी कटाई करना है तो ये पौधा सीधा होना चाहिए, तब हार्वेस्टर से मैं कटाई कर सकता हूँ। तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI ने सक्सेसफुली डेवलप किया है दो ड्वार्फ वेराइटीज़, मतलब जिसकी हाइट कम हमको दिखाई देगी, काला नमक राइस की। दे हैव बीन नेम्ड पूसा नरेंद्र काला नमक 1638, पूसा नरेंद्र काला नमक 1652, ये नाम है, इनको हमें याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कौन कौन से नाम रखे गए हैं, पूसा नरेंद्र काला नमक, पूसा
पूसा नरेंद्र काला नमक 1638 है और दूसरा है नरेंद्र काला नमक, पूसा नरेंद्र काला नमक 1652 है। 1638 और 1652 दो वैरायटी वैज्ञानिक लोगों ने इससे तैयार किया है। इनका कहना है इस संस्था का ये जो नया नाम है इसको हमने कहाँ से ले लिए, ऑफ इट्स एसोसिएशन विद द आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर। इसका सीधा सीधा संबंध है आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी अयोध्या से फॉर टेस्टिंग टू वेराइटीज़, क्योंकि यहाँ पर इसकी टेस्टिंग की गई थी। यदि हम इसकी यील्ड की बात करें, पैदावार की बात करें नई वेराइटीज़ की, तो बताया जा रहा है डबल है दैट ऑफ ट्रेडिशनली वेराइटी, जो पुरानी जो वेराइटी चलती थी उससे इसकी पैदावार डबल होने वाली है। द IARI एंड उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर ये काम कर रहा है आपस में मिल करके टुगेदर टू मेक द सीड्स अवेलेबल टू फार्मर्स एट द अर्लीस्ट। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि किसानों को इसका बीज कैसे अवेलेबल कराएगा, और बीज अवेलेबल कराना और इसके बाद ये रहता है कि वो अफोर्डेबल होना चाहिए, मतलब किसान लोग उसको ख़रीद सकें, उनकी रेंज में भी इसका होना ज़रूरी है। जो ट्रेडिशनली काला नमक राइस होता है उसको प्रोटेक्ट किया गया है अंडर द जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैक्स सिस्टम। इट इज़ रिकॉर्डेड इन द GI एप्लीकेशन दैट लॉर्ड बुद्धा गिफ्टेड काला नमक पैडी टू द पीपल ऑफ श्रावस्ती सो दैट दे रिमेंबर हिम बाय इट्स फ्रेग्रेंस। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित, शॉर्टकट में इसको UDC कहा जाता है। कानून की नज़र में सब लोग एक से होते हैं, जाति धर्म पुरुष हैं या स्त्री हैं, कानून सबके लिए बराबर है, शादी तलाक एडॉप्शन उत्तराधिकार विरासत, लेकिन सबसे बढ़कर लैंगिक समानता वो कारण है जिस वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत महसूस की जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है विवाह तलाक, बच्चा यदि मुझे गोद लेना है, संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा, ये सारे सब्जेक्ट में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम होने चाहिए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। गवर्नमेंट भी ऐसा ही करने जा रही, उनका कहना है कि एक धर्म में ऐसा हो रहा है दूसरे ग्रुप में ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शादी में तलाक में बच्चा गोद लेने में संपत्ति के बंटवारे के मामले में सभी धर्मों के लिए एक सा नियम कानून होना चाहिए, सभी जातियों के लिए एक सा नियम कानून होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। इसलिए समान नागरिक संहिता जिस राज्य में लागू हो जाएगी ना, वहाँ शादी तलाक जमीन जायदाद का बंटवारा में सभी धर्मों के लिए एक ही नियम कानून लागू होने वाला है। अब न्यूज़ की यदि हम बात करें तो गुजरात में चुनाव होने वाला है, ठीक है, और कुल मिलाकर के देखा जाए ये जो नियम कानून है एक प्रकार से देखो तो इसको BJP ज़्यादा सपोर्ट करती है, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को। इसमें टारगेट में आ जाएंगे दूसरे धर्म वाले लोग, जैसे कि वो कह सकते हैं कि हम हमारे धर्म में हमारे ये प्रैक्टिस में हम अपनाते हैं, ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है, तो आप क्यों हमें मना कर रहे हैं कि ऐसा मत करो ऐसा करो करके, मतलब कि उनका जो मौलिक अधिकार है ना वो यहाँ पर प्रभावित हो सकता है, ऐसा आरोप लगाया जाने वाला है सरकार के ऊपर। तो अभी जो लास्ट कैबिनेट की मीटिंग है बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ असेंबली इलेक्शन इन स्टेट, अभी गुजरात में चुनाव किस तारीख को होना है ये डेट की घोषणा नहीं की गई है, और उससे पहले ही आप ये देखोगे किस प्रकार का डिसीजन आ रहा है। हो सकता है द गुजरात गवर्नमेंट ऑन सैटरडे मूव्ड ए प्रपोजल टू कॉन्स्टिट्यूट इस कमिटी टू इवेल्यूट द ऑल एस्पेक्ट ऑफ UCC। गुजरात की सरकार ने क्या कहा है कि हम एक कमेटी बना रहे हैं, ये कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में एक एक जानकारी देखने वाली है, क्या सही है क्या गलत है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार का मूव हम देखे हैं उत्तराखंड में, एनदर BJP रूल्ड स्टेट। ये कमेटी जिसके हेड रहेंगे रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज एंड विल हैव 3-4 मेंबर्स,
मेंबर हो सकते हैं, 4 सदस्य भी इसके हो सकते हैं, और इसका जो मुखिया रहेगा वो रहेगा हाई कोर्ट का जज रहेगा। बताया जा रहा है द कमिटी विल बी फॉर्म बिफोर द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन कम्स इन टू द फोर्स। ये बात क्लियर है कि ऐसे लोग जिनको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए उनके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बिल्कुल चुनाव के पहले ही सरकार ऐसी घोषणा करने जा रही है। एक भरोसा यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से ये दिलाया जाता है, देखिए दोनों ही मिनिस्टर जिन्होंने इस बारे में बात कही थी गुजरात के, उनका कहना था हमने जो प्रपोजल लेके आए हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के ये वॉयलेट नहीं करेगा फंडामेंटल राइट्स, आपके जो मौलिक अधिकार हैं जिनकी गारंटी संविधान ने आपको दी है उनका ये उल्लंघन नहीं करने वाले हैं। उन्होंने क्या कहा कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है और मुस्लिम पर्सनल लॉज हैं ये भी कवर होने वाले हैं अंडर द UCC एज दीज लॉज वर नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब चूंकि ये जो है संविधान में इनका कोई उल्लेख नहीं है इसलिए हम इनको भी अपने कानून में शामिल करने वाले हैं, ऐसा इनकी तरफ से कहा गया है। इसके अलावा उन्होंने मना कर दिया कि गवर्नमेंट का लेटेस्ट मूव वाज टेकन कीपिंग इन द असेंबली पोल इन द माइंड। इनके ऊपर यदि आप ये आरोप लगाओगे कि आप चुनाव को ध्यान में रखते हुए ऐसे नियम कानून लेकर के आ रहे हो तो उन्होंने इस बात से मना कर दिया था। दैट इट वॉज नेसेसरी टू रिजॉल्व द डिस्क्रिपेंसीज दैट अराइज इन सिविल डिस्प्यूट सच एज वुमन्स क्लेम ऑन हर हस्बैंड्स और फादर्स प्रॉपर्टी ड्यू टू डिफरेंट लॉस। उनका कहना है कि देखिए प्रॉपर्टी के ऊपर पति का हक पत्नी का हक अलग अलग में अलग अलग किस्म की बातें कही जाती हैं, इसलिए हम इन सब के लिए एक ही नियम कानून लाना चाहते हैं। इसके बाद यदि हम शॉर्टकट में न्यूज़ देखें तो न्यूज़ बताती है इंडिया और चाइना के जो रिलेशन हैं कंटिन्यू बिगड़ते ही जा रहे हैं। एक और बुरी खबर इंडिया के लिए ऐसी है कि चाइना कंटिन्यू भारत और चीन की बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते जा रहा है, जैसे कि वहाँ के गांव के लोगों को कुछ ट्रेनिंग देना हो, पुल बनाना हो, सड़कें बनाना हो, या फिर सैनिकों के लिए छावनियों का निर्माण करना हो, ये सारे काम चाइना कंटिन्यू करते जाता है, बेधड़क करते जाता है। नई न्यूज़ ये आई है कि चाइना कंटिन्यू लगा हुआ है अपग्रेड करने में उसकी रोड को। ये जो रोडें हैं कहाँ पर हैं, अपोजिट ईस्टर्न लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख के अपोजिट साइड में ये सड़कें बनाई जा रही हैं। इसके अलावा स्ट्रेंथन कर रहा है ये अल्टरनेटिव अप्रोचेस अराउंड इट्स मोल्डो गैरिसन, ऐसा ऑफिशियल सोर्स का कहना है। जैसे कि मैंने अपने रहने के लिए घर बनाया हूँ तो उस घर का एक ही रास्ता है, ठीक है, तो ये रास्ता बंद हो जाता है, ये रास्ता जाम हो जाता है, ऐसी कंडीशन यदि हो रही है तो मैं क्या काम करूँ, इसके लिए मैं पहले से ही दूसरा रास्ता बना लेता हूँ, कहीं और से होते हुए जाएगा, ऐसी व्यवस्था चाइना के द्वारा की गई है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं, पिक्चर में आप देख रहे हैं करकुमिन से संबंधित, करकुमिन मतलब कि हल्दी से संबंधित ये न्यूज़ आई है, साइंस वाली न्यूज़ आप इसको मान करके चलते हैं। करकुमिन कंपाउंड प्रोटेक्ट कैटल फ्रॉम डिजीज़, ऐसा स्टडी में सामने आया है। तो करकुमिन का कंपाउंड है, करकुमिन को मिला करके हो सकता है कोई चीज़ बनाई गई हो और उसका इस्तेमाल हमने करे हैं गायों के ऊपर ताकि उनको डिसीज से राहत दिलाई जा सके। तो एक बहुत बड़ी राहत मिली है क्रिएटिंग इम्यूनिटी, कहाँ पर, कैटल में, अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज, उसमें शामिल है मास्टिटिस। मास्टिटिस मतलब गाय का जो थन होता है उसमें जो सूजन आ जाती है उसको स्तन की सूजन कहा जाता है। तो इस रिसर्च में शामिल थे रिसर्चर्स ऑफ द ट्रांसडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी TDU बंगलुरु हैव सक्सेसफुली वैलिडेटेड द इम्यूनो मॉड्यूलेशन एबिलिटी ऑफ ए नेचुरल फाइटोकेमिकल कंपाउंड विथ करकुमिन एज एक्टिव इंग्रेडिएंट।
इन्होंने इस्तेमाल किया था कुछ फाइटोकेमिकल नेचुरल कंपाउंड का, इसमें यूज़ किया था उन्होंने करकुमिन का, हल्दी का। ये जो स्टडी थी इसको कैरी आउट किया गया था, इसको आयोजन किया गया था थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट केरल में एज ए पार्ट ऑफ एकेडमिया इंडस्ट्री इंटरफेस। तो इसमें क्या किया जाता है, एकेडमी है और जो इंडस्ट्री है दोनों को आपस में मिलकर के कैसे काम करना है, उस हिसाब से ये काम किया गया है। बताया जा रहा है एक ऐसा भी टाइम हुआ करता था जब जो इकोनॉमिक लॉस है ड्यू टू मैस्टिटिस इन इंडिया एक्सीडेड 13,000 करोड़ सालाना। स्तन की सूजन की बीमारी के चलते चलते हमारे यहाँ के किसानों को झेलना पड़ता था 13,000 करोड़ रुपया का सालाना नुकसान। देयर इज ए ग्रेट रिलेवेंस फॉर द फाइंडिंग्स द रिसर्चर्स पॉइंटेड आउट। उनका कहना है इसका बहुत ही बड़ी प्रासंगिकता है यदि इसमें हम सफल हो जाते हैं तो। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि इस बीमारी के लिए किसी भी प्रकार का वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं था मैस्टिटिस के लिए। रिसर्च की जो फाइंडिंग है उसमें ये पता चला है कि जो नेचुरल प्रोडक्ट है वो ऑफर करता है इम्यूनिटी डेयरी कैटल्स में। यदि हमारे जो गाय बैल हैं उनको इन्फेक्शियस डिजीज से हमको बचाना है, उनको इम्यूनिटी प्रदान करना है, तो हमें नेचुरल चीज़ें उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। बाय इंक्रीजिंग कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन, कैसे करके, जैसे कि हम कुछ प्रोटीन और उनको बढ़ा करके देते हैं। इसके अलावा इंटरफेरोन, ठीक है, यदि हमें इन्फेक्शन से बचाना है तो आप इंटरफेरोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंटरफेरोन की हमने बात करी, एक प्रकार का आप समझ लीजिए ड्रग्स ही है जो हम दे रहे हैं, लेकिन होना चाहिए कैसा, नेचुरली रूप से। इसके अलावा इम्यूनोग्लोबुलिन, शॉर्टकट में कहें तो IgM, इसके अलावा लिम्फोसाइटस एंड मोनोसाइटस। यदि हम क्या कर दें, कैल्शियम फास्फोरस में वृद्धि कर दें, इसके अलावा एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशो को बढ़ा दें एंड डाइजेस्टिबिलिटी इंडेक्स सब्सटिनेट 10% इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन। इसमें एक बात बताई जा रही है कि यदि आप कैल्शियम फास्फोरस और एल्बुमिन ग्लोबुलिन के रेशो को बढ़ा देते हैं, डाइजेस्टिबिलिटी का जो इंडेक्स होता है, ठीक है, वो ये सिद्ध किया है कि 10% इससे वृद्धि होने वाली है मिल्क के प्रोडक्शन में। देयर वॉज नो इंसिडेंट ऑफ मैस्टिटिस ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड। और जब तक हम स्टडी करे थे इस दौरान हम देखे कि गायों को बीमारी नहीं हुई थी।